हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लिबॉन हेयर सीरम का रिव्यू। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं एंड कैसे आप अपने बालों को मैनेजेबल एंड सिल्की शाइनी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने बालों को शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और टॉवल से इसे पैट ड्राई भी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है लिबॉन हेयर सीरम, तो इसकी मैं 2 से 3 ड्रॉप्स अपने हाथ पे ले लूँगी। आप अपने बालों की ग्रोथ के हिसाब से इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं। और अब मैं इसे अच्छी तरह से अपने बालों पे लगाऊँगी। ध्यान रहे कि इसे स्कैल्प में ना लगाएं, सिर्फ हेयर ग्रोथ पे ही लगाएं, कुछ इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ उस तरह से ही आपको करना है। और अभी कॉम्ब का यूज़ नहीं करना है, जितना हो सके आप अपने बालों को हाथों से ही सुलझाएँ एंड कुछ इस तरह से आप अपने बालों को हाफ़ पार्ट में करके हेयर सीरम को ऐसे अप्लाई करें। फ्रेंड्स, हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद आपको अपने बालों पर तुरंत ही कॉम्ब नहीं करना है, इससे हेयर फॉल जो होता है वो डेफिनेटली आपको हो सकता है। तो जब आपके बाल 70-80% ड्राई हो जाते हैं तभी आप कॉम्ब अपने बालों पर करें। फ्रेंड्स, लिबॉन हेयर सीरम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए एंड जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हैं, ड्राई हैं और बिल्कुल भी बालों में जो शाइन नहीं है, तो वो लोग हेयर सीरम का यूज़ ज़रूर करें, जैसे कि बाल आपके शाइनी, स्मूदी एंड अच्छे हो जाएंगे एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम से भी आप लोग इससे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी प्राइस एंड क्वान्टिटी की। तो मैंने इसे 150 रुपीज़ में परचेस किया था और इसमें 50 ml प्रोडक्ट रिसीव होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हेयर 70-80% ड्राई हो गए हैं, तो कॉम्ब से मैं अपने बालों को ऐसे सुलझाऊंगी। और ध्यान रहे फ्रेंड्स के आप इसी तरह के बड़े दांत वाले कॉम्ब का ही यूज़ करें, क्योंकि इससे अच्छी तरह से आपके बाल जो हैं वो सुलझ जाएंगे और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो कुछ इस तरह से आपको अपने बालों को पहले नीचे नीचे सुलझाना है एंड फिर पूरी तरह से ऊपर से करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि बड़ी आसानी से ही मेरे बाल कॉम हो रहे हैं और बिल्कुल भी हेयर फॉल मुझे नहीं हो रहा है और कितनी ज़्यादा शाइनी एंड सिल्की लग रहे हैं मेरे बाल, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे कि मेरे कॉम में भी एक भी बाल नहीं आया है और अब इसी तरह मैं दूसरे साइड भी अपने बालों को कॉम करूँगी। जिस तरह से मैंने पहले किया था बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी बाल नहीं आया, शायद 1-2 बाल ही मेरा गिरा होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊँगी।